मैं हूं पंकज और स्वागत है आप सभी का इजी टैग पंकज के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए फ्लिपकार्ट ऐप का यूज़ करते हैं तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट से आप किसी प्रोडक्ट को रिटर्न किस तरीके से करा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका प्रोसेस जो है ना पहले से अब थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो कैसे आपको ये करना है, देखिए सबसे पहले हम अकाउंट सेक्शन पर चले जाते हैं और जो हमने यहाँ पर ऑर्डर्स करें हैं इस पर हमको क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब जैसे कि हमने ये सूट यहाँ पर मंगाया हुआ है और इसको हमको रिटर्न करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तुमको रिटर्न पॉलिसी देखनी है। तो रिटर्न पॉलिसी यहाँ पर अभी अवेलेबल आपको दिखाई दे रही होगी, देखिए वैलिड है 1 अप्रैल तक। ठीक है, तो चलिए रिटर्न का ऑप्शन अब यहाँ पर आ रहा है तो इस पर हमको क्लिक कर लेना है। रिटर्न कराने के लिए हमें करना क्या है, यहाँ पर आपको रिटर्न का ऑप्शन दिख जाएगा, देखिए रिटर्न का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा होगा तो इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। इस वजह से आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर रिटर्न के रीज़न आ जाएंगे, मतलब आपको एक रीज़न यहाँ पर देना होता है। तो आपको रीज़न यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेना है जिस तरीके का आप इशू यहाँ पर फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर रीज़न दे रखे हैं, डोंट वांट टू प्रोडक्ट एनी मोर, रिसीव्ड रॉन्ग आइटम है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट नॉट एज एक्सपेक्टेड है, प्रोडक्ट इज मिसिंग इन पैकेज है, डोंट लाइक द साइज फिट ऑफ द प्रोडक्ट, रिसीव्ड एंड ब्रोकन डैमेज्ड आइटम, आई हैव मल्टीपल इशू द प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें आप कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि हमको यहाँ पर साइज प्रॉब्लम है तो हमने ये सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ से दोबारा से आपको रीजन पूछा जाएगा, मतलब साइज में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो नीड ए लार्जर साइज, मतलब आपको लार्जर साइज चाहिए, या डू नॉट लाइक द फिट, या नीड ए स्मॉलर साइज। तो आप ये अपना रीजन यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको क्या, अगर एक्सचेंज कराना है, अगर एक्सचेंज ऑफर इसमें अवेलेबल है तो आप क्या कर सकते हैं, स्मॉलर साइज या लार्जर साइज यहाँ पर अपना मंगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिटर्न ही कराना है तो आप डोंट लाइक द फिट आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और जो आपको यहाँ पर कमेंट देना है ना, ये आप कमेंट दे दीजिए, डू नॉट लाइक द फिट यहाँ पर आपने देना। उसके बाद करना क्या है, यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना। कंटिन्यू जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, रिटर्न के लिए यहाँ पर अप्रूवल आपकी भेज दी जाएगी और कुछ ही टाइम में, कुछ ही सेकंड में आपका जो अप्रूवल होगा ना यहाँ पर एक्सेप्ट कर दिया जाएगा और कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपका यहाँ पर बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा रिटर्न का। तो ये रिटर्न कैसे होता है, जो डिलीवरी बॉय होता है ना वही आपका प्रोडक्ट क्या करेगा, पिकअप करेगा। मतलब आपने रिटर्न करना है तो पिकअप कर देगा, और आपने अगर कैश ऑन डिलीवरी करावा है पेमेंट या ऑनलाइन करावा है तो आपका पैसा जो होगा ना वो ऑनलाइन भेज दिया जाएगा 3 से 4 दिन, मतलब जो वर्किंग डे होता है ना बैंक के, उसके 3 से 4 दिन के अंदर आपका पैसा भेज दिया जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप प्रोडक्ट अब रिटर्न यहाँ पर कर सकते हैं, जिसका प्रोसेस थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो चुका है जो मैंने आपको बता दिया है। तो आपको दोस्तों अब आ गया होगा किस तरीके से आप फ्लिपकार्ट से किसी प्रोडक्ट को रिटर्न करा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो बहुत ही जल्द इजी टैग विद पंकज में।